दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम अपना मकान बनाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि हम दीवार 9 इंची बनाएं कि 5 इंची बनाएं। दोस्तों 9 इंची दीवार कब बनानी चाहिए, 5 इंच दीवार किस स्थिति में बनानी चाहिए, पूरा डिटेल में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है अपने दीवार बनाने का। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आप मकान बनाएं, ठीक है, जो भी आप आउटडोर की दीवार बना रहे हैं वो आप 9 इंच में बना सकते हैं। बनाने का कारण मैं बता देता हूँ कि दोस्तों जब भी बारिश होगी तो बरसात के समय में तो क्या होता है कि अंदर पानी सिलन आने की काफ़ी हद तक चांस बने रहते हैं। तो थोड़ा मजबूती के हिसाब से भी आप यूँ समझ लीजिए कि जो भी आउटडोर दीवारें होती हैं वो थोड़ा मजबूत बने तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसके लिए दोस्तों आप 9 इंच दीवार बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो भी आप अंदर की दीवार बना रहे हैं, पार्टीशन वाला आप बना रहे हैं अंदर अंदर की दीवारों का, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 5 इंची 4 इंच जो दीवार आती है वो आप बनाएं। और दोस्तों इसमें मजबूती के लिए आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कुछ समय के जब तक आप प्लास्टर नहीं करेंगे उस समय तक है ना आपको वो दीवारें कमज़ोर महसूस होगी, लेकिन दोस्तों जब भी इसका प्लास्टर होगा तब ये दीवारें काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी मिस्त्री या भी ठेकेदार आपका काम का ठेका ले रहा है, काम बनाने का घर बनाने का ठेका ले रहा है, तो उससे आप पहले ही तय कर लें कि भाई मेरे अंदर की जो भी दीवारें बनानी है वो 5 इंच बनानी है। क्योंकि दोस्तों ठेकेदार मिस्त्री ही बताते हैं कि भाई ये कमज़ोर है, ये ऐसे वैसे, तो उस प्रकार से आप उसकी बातों में ना आए और अंदर की जो भी दीवारें बनाएं आप 5 इंच बना सकते हैं। बहुत ही काफ़ी हद तक ये मजबूत रहती हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं आती है। दूसरा इसका ये भी फायदा है कि आपके जो नीम पे आपके जो बीम पे काफ़ी हद तक इसका लोड भी कम हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अपना जो यूँ समझ लीजिए आपकी जब 5 इंच में अगर एक दीवार बनाते हैं 10 फीट की, तो उसी खर्चे में आपके एक और 10 फीट की दीवार बन जाती है। मतलब कि दोस्तों आपका जो डबल खर्चा लगता है कहीं ना कहीं आपके 9 इंची दीवार में। ठीक है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि खर्चा भी आपका कम लगता है, जैसे कि जो अपने अगर 500 फीट अगर दीवार बना रहे हैं तो उसी खर्चे में आपके 1000 फीट दीवार बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका पैसा भी बचता है और काफ़ी हद तक इसकी मजबूती भी रहती है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी आप अंदर की दीवार बना रहे हैं पार्टीशन वाल, आप 5 इंच बनाएं, कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मजबूत बनती हैं। और 5 इंच जो भी आप आउटडोर की जो दीवार बनाएं वो आप 9 इंच में बना सकते हैं। ठीक है, मजबूती के हिसाब से भी और अपने मकान की सिक्योरिटी के हिसाब से भी, दूसरा आपके जो बरसात के समय में सीलन आती है उसके हिसाब से भी आप 9 इंची दीवार बना सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ। दोस्तों आपको अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसी प्रकार की और भी जानकारी भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।